नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले छोटे से पेन स्टॉक के बारे में जिसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। प्राइस लगभग 9 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पे आज के दिन में आपने देखा रहेगा स्टॉक लगभग 16% से ज़्यादा भागा है, और पिछले 5 दिन के रिटर्न भी चेक करेंगे स्टॉक लगभग 30% से ज़्यादा भागा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, उसके पीछे अलग अलग रीज़न है। आज के 2 ब्रेकिंग न्यूज़ का कवर करने वाले, आगे जाके शोल्डर को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसका मार्केट कैप भी सिर्फ यहाँ पर 10,000 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो रहते हैं, तो सोच समझ के खुद का स्टडी करने के बाद पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि जो सुजलॉन एनर्जी की जो लॉन्ग टर्म की रिटर्न है इतने कुछ खास नहीं, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी अच्छी अभी तो नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है और कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है। जैसे कि इसकी जो लॉन्ग टर्म की रिटर्न है -92% की रिटर्न है, मतलब जिसने भी पैसा लगाया था अभी तक वो लॉस में बैठा है। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जो भागने का जो मेन रीज़न है, यहाँ पे अदानी ग्रुप है। जैसे ही अदानी ग्रुप का नाम इनके साथ जुड़ गया, स्टॉक लगातार यहाँ पे अपर सर्किट में भाग रहा है। तो आगे जाके क्या सच में अदानी इस कंपनी को खरीद सकते हैं कि नहीं, और देखने वाले। अगर खरीद लेंगे तो स्वैप रेशियो क्या रहेगा। स्वैप रेशियो मतलब क्या रहते हैं, जैसे कि पुराने शेयरों का क्या करना है, क्या उनको एक के बदले एक शेयर देना है, क्या एक के बदले 0 शेयर देना है, वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखने वाले वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का जो मेन यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसके वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल सकता है आने वाले समय में इस सेक्टर को, इस कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में जो करंट गवर्नमेंट है ऐसे सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ये तो गए कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो जो पहला ब्रेकिंग न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं अभी। जो सुजलॉन एनर्जी जो भागने का जो मेजर रीज़न है उसके पीछे है अदानी ग्रुप। जो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यहाँ पे इसके वजह से स्टॉक लगातार रॉकेट बन रहा है। अगर कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देते तो स्टॉक में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेजी आते। कौन से स्टॉक में तेजी आती, कभी भी यहाँ पे स्मॉल कैप जो स्टॉक रहते उसमें तेजी आते। उसके पीछे के अलग अलग रीज़न रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर ऑपरेटर ऐसे स्टॉक को यहाँ पे पंप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक लगातार यहाँ पे रॉकेट बनता है और यहाँ पे अपर सर्किट में भागता है। अभी तक कितने का कॉन्ट्रैक्ट दे इसकी जो अमाउंट है सामने आए नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक ही न्यूज़ है, यहाँ पे अदानी ने यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे, ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है। ये तो क्या पहला ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरा न्यूज़ क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा यहाँ पे राइट इश्यू आने वाला था सुजलॉन एनर्जी का, इसके वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे इस स्टॉक में पैसा लगा रहे। यहाँ पे राइट इश्यू यहाँ पे क्लोज होने की जो आखिरी तारीख है कल के दिन है 11 अक्टूबर, उसके बाद राइट इश्यू क्लोज होएगा। इसके वजह से 2 बड़े रीज़न मिल गए मार्केट को, इसके स्टॉक लगातार यहाँ पे भाग रहे अपर सर्किट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आगे जाके क्या सच में यहाँ पे अदानी इस ग्रुप को खरीद लेंगे। देखिए होने के लिए स्टॉक मार्केट में कुछ हो सकता है, अभी तो फिलहाल अदानी का ज़माना चल रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे कंपनी को अदानी क्या करे, एक्वायर करने की कोशिश करे। देखिए एक्वायर करना ठीक है, क्या सच में पुराने शेयरों की लॉटरी लगेगी, एक बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैसा किया जाता है, अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे कि अदानी ग्रुप है यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का खरीद लेते हैं, तो क्या होगा, जो पुराने शेयर है उनका एक स्वैप रेशियो निकल जाता है, क्योंकि जो सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी, तो कभी भी यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर का सोचा नहीं जाता। यहाँ पे स्वैप रेशियो में अलग अलग रेशियो आते हैं, जैसे कि एक के बदले एक शेयर भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके बहुत ही बड़ी लॉटरी लगेगी, आपको आपको एक के बदले 0 शेयर मिलता है तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होने के भी चांसेस है। तो यहाँ पे रिस्क है रिवॉर्ड है, ज़्यादा पैसा मत लगाएं। ऊपर से आप लोगों को पता रहेगा ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर बहुत ही भरे पड़ते हैं, ऐसे स्टॉक को नीचे लेवल पे खरीद लेंगे, स्टॉक को लिए अलग अलग न्यूज़ मार्केट में लाएंगे, स्टॉक को अपने अपर सर्किट में भागेंगे। जैसे स्टॉक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पे जाएगा, जैसे कि 9 रुपये का स्टॉक है यहाँ पे 20 रुपये पे जाएगा, तो वापस इसको डंप किया जाता है। तो ऐसे स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। तो कभी भी ऐसे स्टॉक में ज़्यादा अमाउंट मत लगाए, एक बार अटक जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।